हेलो दोस्तों, दिस इज विशाखा डागा कमिंग अप विद नेक्स्ट राउंड ऑफ यू सिंपलीफाइड। नाउ पीटी के टाइम में बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट आपको समझ नहीं आते, जैसे ट्रांसफर प्राइसिंग। ट्रांसफर प्राइसिंग क्या होता है पहले ये समझ नहीं आता, उसके बाद फिर एक और कॉन्सेप्ट इससे रिलेटेड हो जाता है, दैट इज आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल। फिर इसके साथ कॉन्सेप्ट आता है एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट। तो कंफ्यूज मत होइए, आज हम इन तीनों के बारे में ही डिस्कस करेंगे कि कैसे ये आपस में रिलेटेड है। पर पहले मुझे सवाल का जवाब दीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट। Transfer pricing is a method by which the authority tried to prevent tax evasion in subsidiary companies. ठीक है, इस स्टेटमेंट को एक बार देखिए कि क्या ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा, arm's length principle attempt to maintain fair value transaction in between the companies that are related. तो ये fair value maintain करने की कोशिश करती है जब आपकी related companies में transaction होती है। तो दोनों स्टेटमेंट को एक बार देखिए और क्या ये सही है या नहीं इसका जवाब मुझे दीजिए, बिकॉज वीडियो के एंड में मैं आपको इसका जवाब जरूर दूंगी। चलिए सबसे पहले आते हैं डेफिनेशन पे कि हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि सबसे पहले हमने पढ़ा कि सिटीजनशिप क्या होती है। नाउ सिटीजनशिप, व्हेन वी स्टडीड, वी न्यू इट इज अ मॉरल कॉन्ट्रैक्ट जो कि सिटीजन और स्टेट के बीच में होता है, जहाँ पे स्टेट को ड्यूटीज मिलती हैं कि वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखे और लोगों का वेलफेयर इंश्योर करे। वहीं पे ये पैसा कहाँ से आएगा इस चीज़ के लिए? पैसा देगा सिटीजन। वो जो भी इनकम लेता है, इनकम अर्न करता है, उसका कुछ परसेंटेज एज अ कंपल्सरी पेमेंट उसको स्टेट को पेमेंट करनी होती है, राइट? 10%, 20%, जैसे जितना भी उसने अर्न किया उसका कुछ परसेंटेज उसको स्टेट को देना होगा, जो कि स्टेट रेवेन्यू में चला जाता है। एक चीज, क्योंकि ये कंपल्सरी पेमेंट है, अगर आप ये पे नहीं करोगे तो ऐसे केस में आपको क्या लगेगा? इसमें लग जाएंगी आपको पनिशमेंट। तो नॉट पेइंग टैक्स विल बी पनिश्ड बाय लॉ, जैसे आईटी एक्ट ऑफ 1961। तो इसमें आईटी एक्ट ऑफ 1960, इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961 आपका लगता है। इसीलिए हम उन सभी मेथड को पढ़ते हैं जिस केस में सिटीजन ट्राई टू अवॉइड पेइंग टैक्स एंड गवर्नमेंट ट्राई टू मेक द इंश्योर कि नहीं, आप टैक्स जरूर पे करोगे। ऐसा ही एक मैकेनिज्म है ट्रांसफर प्राइसिंग। तो सबसे पहले समझते हैं ट्रांसफर प्राइसिंग होता क्या है। अगर इसकी सिंपल डेफिनेशन देखी जाए तो ट्रांसफर प्राइसिंग रेफर टू प्राइसिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज व्हेन दे आर बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन एंटिटी टू अनदर विद द टू एंटिटीज आर रिलेटेड। जब आप एक एंटिटी से लेकर दूसरी एंटिटी, मतलब इमेजिन ये कंपनी है ए करके, दिस इज कंपनी बी करके, जब आप ए कंपनी से बी कंपनी में गुड्स एंड सर्विस ट्रांसफर करते हो, तो जो प्राइसिंग मैकेनिज्म आप यूज करते हो, जिस मेथड से आप प्राइस करते हो, उसको कहते हैं ट्रांसफर प्राइसिंग व्हेन द कंपनीज आर रिलेटेड। मतलब जैसे ये निशान है, निशान की एक कंपनी बना रही है बैटरी और दूसरी कंपनी उसको असेंबल करके कार बना देती है, तो जब ये बैटरी को यहाँ कार बनाने वाली कंपनी में ट्रांसफर किया जाएगा तो जो प्राइसिंग मैकेनिज्म यूज किया जाएगा कार की बैटरी के लिए, उसको कहते हैं आपका ट्रांसफर प्राइसिंग। Now this is very important because company क्या करती है, इस pricing mechanism को use करती है अपने profit को maximize करने के लिए, अपना tax कम pay करने के लिए, और यही पे ये concept हमारे लिए important हो जाता है, that is जहां हम tax कम pay करना चाहते हैं। अब चलिए मैं आपके लिए एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ। सबसे पहले एक नॉर्मल एक सिंपल सा केस देते हैं कि इमेजिन एक कार की बैटरी हम बहुत सिंपल लेते हैं कि $50 में मैन्युफैक्चर हो रही है, ठीक है, ए इसको $50 में मैन्युफैक्चर कर रही है। फाइनली अब ये $20 का इसमें अपना प्रॉफिट इंट्रोड्यूस करके इनको $70 में बेच देंगी। कार $70 में बन गई, हाइपोथेटिकल केस है, कोई कार $70 में नहीं बनती होती तो आप ले लेते। जब ये $70 में बन गई तो अब ये जो बी कंपनी है ये अपने प्रॉफिट को ऐड करके, कॉस्ट को ऐड करके फाइनली इस कार को $90 में सिटीजन को बेच देगी, ठीक है। अब ये हो गए कार वाले। इस केस में अगर देखा जाए तो ओवरऑल $20 का प्रॉफिट कंपनी ए को हुआ और $20 का ही प्रॉफिट आपका कंपनी बी को हुआ है, राइट? और इस केस में जो प्राइसिंग मैकेनिज्म था वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मार्केट प्राइस, इन सब को ध्यान में रख के बनाया गया था, राइट? तो एक सिंपल सा केस है, इसमें कोई मैनिपुलेशन कुछ नहीं हुआ। अब देखिए, लेकिन अब यहाँ पे देखिए चीजें कब बदल जाती हैं, जब पिक्चर में आता है टैक्स। इमेजिन कीजिए, अब ये इंडिया है, इंडिया में टैक्स परसेंट इमेजिन कीजिए 30% है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में है 10%। अगर आप नॉर्मल केस रखो, जब हमारी कंपनीज ईमानदार होती हैं, ईमानदार कंपनी में क्या होगा, अगर $20 का प्रॉफिट हुआ है तो ये दे विल एंड अप पेइंग हाउ मच टैक्स, दे विल पे, तो ये टैक्स पे करेंगे यहाँ पे कितना, ये टैक्स पे करेंगे यहाँ पे $6 का।
और यहाँ पे जो $20 का प्रॉफिट हुआ है, जब 10% का टैक्स लगेगा तो दे विल एंड अप पेइंग $2 का टैक्स। अल्टीमेटली जो एबी कंपनी है, जिसको ओवरऑल फायदा कितना हुआ था $40 का, ए $20 का फायदा अपनी सब्सिडरी ए से हुआ और $20 का फायदा अपनी सब्सिडरी बी से हुआ, टोटल डॉलर जो उनका फायदा होता है $40 का, इज पेइंग द टैक्स ऑफ $8। अब ये कंपनी बोली मुझे महंगा पड़ रहा है, मतलब यहाँ पे देखो ज्यादा टैक्स पे कर रही हूँ, उसी $20 के लिए $6 टैक्स पे कर रही हूँ, यहाँ पे वही $20 अर्न करने के लिए मैं $2 टैक्स पे कर रही हूँ, तो आई वुड वांट ना कि मुझे टैक्स कम पे करना पड़े। तो ये कंपनी क्या करती है, प्राइस को मैनिपुलेट या मिसकोट कर देती है, राइट, दे विल मिसकोट और मैनिपुलेट द प्राइसेस। अब इस केस में क्या होगा, दे विल से कि हमने, अब यहाँ पे प्राइसिंग आपकी बदल जाएगी, दे विल से कि हमने यहाँ पे $60 में अपने सामान को बेचा था, फाइनली $90 में बच जाएगा। अब देखो प्रॉफिट मार्जिन बदल गया कैसे, अब यहाँ पे सिर्फ $10 का प्रॉफिट हुआ है सेकंड केस में, राइट, अब यहाँ पे प्रॉफिट कितना हुआ $10 का, तो टैक्स आप कितना पे कर रहे हो यहाँ पे $4 का टैक्स पे कर रहे हो, राइट, यहाँ पे सॉरी $3 का टैक्स पे करोगे, ठीक है, और यहाँ पे कितना प्रॉफिट हो रहा है 60 to 90 आपके $30 का, आप यहाँ पे कितना डॉलर टैक्स पे करोगे सेकंड केस में $3 का, ओवरऑल आपने कितना टैक्स पे किया आपने यहाँ पे $6 का। सो जो जस्ट बाय मैनिपुलेटिंग द प्राइसेस, मिसकोटिंग द प्राइसेस, यू एंड अप पेइंग लेसर अमाउंट ऑफ टैक्स। ये था आपका लेटर वर्जन, राइट, और ये था आपका प्रीवियस वर्जन। आपने पहले एक बार फिर रिवाइज कर लीजिए, पहले $50 की आपकी थी, आपने $70 में इसको बेचा और $90 में फाइनल परचेज हुई, $20 का फायदा हुआ जिसमें $6 का टैक्स पे किया और आपने $2 फाइनली $8 का टैक्स पे किया था। दूसरे केस में आपने क्या किया, प्राइसेस मैनिपुलेट कर दी, $50 का जो था $50 का था आपको $70 में बेचना चाहिए था, बट आपने कोट किया कि हम तो $60 में ही बेच रहे हैं, बेच सकते हैं अपनी कंपनी है, मतलब अगर दूसरी कंपनी को बेचना होता तो हम ऐसा नहीं करते क्योंकि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए, पर अपनी ही कंपनी को बेचना, हमें पता है कि फाइनली फायदा ए बी कंपनी को ही होगा क्योंकि अभी वो बस $40 पे, पहले $8 का टैक्स पे करे थे, अब $40 पे सिर्फ $6 का टैक्स पे करेंगे, तो यहाँ $50 से इन्होंने $60 पे इसको बैटरी को बिकते हुए दिखाया, फाइनली ये $90 में ही बिकेगी, बट अब इस केस में आपका टैक्स कम पे कर रहे हैं, समझ में आया। इसको कहते हैं ट्रांसफर प्राइसिंग, दैट इज मैनिपुलेशन ऑफ प्राइसेस सो दैट एट द एंड कस्टमर एंड अप पेइंग लेसर अमाउंट ऑफ टैक्सेस, ठीक है, ये आपका समझ में आ गया ना। इसी चीज को प्रिवेंट करने के लिए आता है आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल, तो यहाँ पे हम लेकर आते हैं आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल। आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल में हम क्या करते हैं, बेसिकली कंपनी सेज दैट कि जब दो एंटिटीज जो कि रिलेटेड हैं, जब वो आपस में गुड्स एंड सर्विस को ट्रांसफर करेंगी तो उनका जो प्राइसिंग मैकेनिज्म होता है वो थोड़ा ऐसा होना चाहिए एज इफ दे आर नॉट रिलेटेड। नॉट रिलेटेड वाला केस कौन सा था, ये $70 वाला। तो कंट्री क्या कहती है, दे शुड ट्रांसफर द गुड्स एंड सर्विसेज कोटिंग द प्राइसेस एज इफ दे आर नॉट रिलेटेड, ऐसे बिहेव नहीं करेंगे कि रिलेटेड है। अब रिलेटेड के केस में ही तो प्राइस मिसकोट कर दी ना, क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पे अपना प्रॉफिट अंडर एस्टिमेट कर भी देंगे तो नुकसान थोड़ी ना हो रहा है, वहां पे तो अल्टीमेटली आपका प्रॉफिट मिल ही रहा है आपको, तो इसके कहते हैं आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल। अब ये तो थी प्रिंसिपल वाली बातें, इम्प्लीमेंटेशन के लिए कोई मैकेनिज्म होना चाहिए ना, इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म था एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट। क्योंकि होने क्या लगा, अब गवर्नमेंट नजर रखने लगी कि जब एक, जैसे वोडाफोन के केस में, कि जब सब्सिडरी कंपनी एक दूसरे को गुड्स एंड सर्विस ट्रांसफर कर रही थी वो कितना प्राइस रख रही थी, और अक्सर हम जाके बोल देते हैं कि नहीं 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 ये प्राइसेस आपने फेयर नहीं रखी है और इसीलिए आप पे इनकम टैक्स का एक्ट लगेगा, आप पे पनिशमेंट लगेगी, तो कंपनीज के लिए भी जो टैक्स पेयर था उनके लिए भी प्रॉब्लम होने लगी और जो टैक्स अथॉरिटी थी उसके लिए भी प्रॉब्लम होने लगी। क्यों, क्योंकि लिटिगेशन बढ़ गई। इस केस में क्या हुआ, लोग भरोसा कम करने लगे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंपैक्ट हो गया, तो गवर्नमेंट ने बोला एक काम करते हैं, एक तरीके का एडवांस प्राइसिंग मैकेनिज्म लेकर आते हो कि आप पहले से ही बता दीजिए कि जब आप रिलेटेड एंटिटीज की प्राइसिंग करोगे तो क्या मेथड यूज करोगे। तो उन्होंने बोला ठीक है, हम कॉस्ट देखेंगे, कॉस्ट कितना हुआ, हम अपना प्रॉफिट मार्जिन आपको बता देंगे और उसके बाद हम प्रॉपर तरीके से मार्केट प्राइस पे हम आपको प्रॉपर तरीके से बताते हैं कि कैसे हम एक दूसरे को ना ट्रांसफर करेंगे। Now this is what? This is advance pricing agreement. जब आप पहले से ही methodology बता देते हो कि जब दो interrelated companies के बीच में entities में goods and service transfer होंगे तो कौन सा pricing mechanism use होगा, तो आप बोलोगे cost use करेंगे, profit use करेंगे, market prices use करेंगे। I hope इसके बाद आपको चीजें समझ में आ गई, पहले तो transfer pricing,
तो रिवाइज हमने कर लिया. पहला हमने क्या देखा कि जब नॉट रिलेटेड थे तो कैसे ट्रांसफर कर रहे थे. दूसरा हमने देखा रिलेटेड हो गए तो कैसे प्राइस इन्होंने मिसकोट कर दी, 70 की जगह 60 कर दी, अपना प्रॉफिट यहाँ पे अंडर एस्टिमेट कर दिया 20 से $10, जिससे कि क्या हो टैक्स कम पे करना पड़े, राइट. तो ये एडवांस प्राइसिंग था, इसको अवॉइड करने के लिए हम आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल लेकर आए. और फाइनली उसको प्रैक्टिकल शिफ्ट देने के लिए हम क्या लेकर आए, उसको प्रैक्टिकल शिफ्ट देने के लिए हम लेकर आए एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट, आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल, एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट. आप मुझे सवाल ज्यादा मुझे जवाब दीजिए सवाल का. ट्रांसफर प्राइसिंग इज मेथड बाय विच अथॉरिटीज ट्राई टू प्रिवेंट टैक्स इवेजन इन सब्सिडरी कंपनीज. तो ट्रांसफर प्राइसिंग एक मेथड है. अब ट्रांसफर प्राइसिंग वो मेथड नहीं था जिसमें टैक्स इवेजन प्रिवेंट करते, वो तो आपका आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल था और एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट था. इस केस में तो उल्टा एक्सप्लॉइट करते थे, राइट. सो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट. आपका ये गया और आपका बोथ भी गया. सेकेंड है आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल अटेम्प्ट टू मेंटेन द फेयर वैल्यू ट्रांजेक्शन इन बिटवीन कंपनीज दैट आर रिलेटेड. हमने क्या देखा, रिलेटेड कंपनीज में ट्रांजेक्शन हो रहा था, हम गुड्स एंड सर्विसेज की जो वैल्यू है वो फेयर रखना चाहते थे. इसका मतलब स्टेटमेंट टू क्या है सही. तो आपको अपना सवाल का जवाब मिल गया. और अगर मिल गया तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें. और नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए ऐसी कौन सी चीज है जिसके बारे में बेहतर जानना चाहते हैं. इसी के साथ हमारी वीडियो खत्म होती है. थैंक यू सो मच. Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspective. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our Current Affairs classes.